बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल सीएस हाउस। नए आने वाले यूज़र से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उनको मिलती रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कीबोर्ड और उसके डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है। अ कंप्यूटर कीबोर्ड is an input device used to enter characters into the computer system by pressing buttons or keys। कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसको हम टेक्स्ट डाटा मतलब करेक्टर्स की फॉर्म में जो डाटा पुट किया जाता है उसको कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने का मतलब डाटा पुट करने का सिंपल मेथड ये है कि हम कीबोर्ड पर जो बटन्स होते हैं जिनको कीज़ का नाम भी दिया जाता है सिंपल उसको प्रेस करते हैं और प्रेस करने से हमारा जो डाटा होता है वो कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। अ कीबोर्ड कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग केबल आर अ वायरलेस कनेक्शन। जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर के साथ किसी केबल के ज़रिए से भी कनेक्ट हो सकता है और विदआउट केबल भी कनेक्टेड किया जा सकता है। कीबोर्ड हैज़ फोर मेजर पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कीज़, मेन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीज़ एंड लास्ट वन इज़ एडिशनल कीज़। एक हमने छोटी सी डायग्राम देखी कि देखें, सबसे पहले हम फंक्शन कीज़ की बात करते हैं। F1 से लेकर F12 तक ये सारी हमारी फंक्शन कीज़ हैं। उसके बाद यहाँ नीचे ये सारा जो है ये सारा एरिया हमारा, इसको हम मेन कीबोर्ड का नाम भी देते हैं और इसको हम टाइपराइटर कीज़ भी कहते हैं। उसके बाद ये हमारी कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं, उसके साथ ये हमारी न्यूमेरिक कीज़ हैं और न्यूमेरिक कीज़ के साथ यहाँ पर ही हमारी जो है वो एडिशनल कीज़ भी हैं। तो इस तरह से हम डायग्राम भी उसकी बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी फंक्शन कीज़। अ फंक्शन कीज़ आर ऑन द टॉप ऑफ अ कंप्यूटर कीबोर्ड फ्रॉम F1 टू F12। फंक्शन कीज़ जो होती हैं वो F1 से स्टार्ट होती हैं और F12 तक जाती हैं और ये कीबोर्ड के हमेशा टॉप पर होती हैं। दीज कीज़ आर यूज फॉर सम स्पेशल पर्पज़ और इनके कुछ ख़ास पर्पज़ होते हैं। इट्स फंक्शंस आर डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर दैट इज़ बीइंग यूज्ड और इसका जो फंक्शन होता है वो उस सॉफ्टवेयर पर डिपेंड कर रहा होता है जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के एक कोई भी F1 कर लें, F2, F3 कोई भी की है, हो सकता है कि एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसका कुछ फंक्शन और हो, जबकि अगर हम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें तो उसमें उसका फंक्शन चेंज हो सकता है। तो इसी तरह से मतलब इनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो किस पर डिपेंड कर रही होती हैं, सॉफ्टवेयर पर जो उस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक, उनके कुछ मैं फंक्शन आपको बताता हूँ। F1, ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम यूजेस दिस की टू ओपन इट्स हेल्प के लिए हम इस्तेमाल करते हैं F1 की को। F2 जो होता है उसको रीनेम करने के लिए हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेव एज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। F3 जो होती है ये किसी भी विंडो में सर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सर्चिंग प्रोसेस के लिए फाइल या फोल्डर को। नेक्स्ट F4 जो है वो Alt+F4 अगर हम कोई भी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो उस विंडो को, उस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं F4, और F4 के बटन से ही हम अपना कंप्यूटर जो है वो ऑफ भी कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं या स्लीप मोड में जा सकते हैं। F5 की जो होती है ये रिफ़्रेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम कॉमन इसका तो यूज़ तकरीबन सभी लोग जानते होंगे। और अगर हम पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें स्लाइड शो का ऑप्शन भी F5 से यूज़ किया जा सकता है। F6 की बात करें तो F6 जो है ये हमारे कर्सर को एड्रेस बार पर लेकर जाता है। नेक्स्ट है ये F7। F7 की जो होती है ये अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हो तो हमारे स्पेलिंग और ग्रामर का जो डायलॉग होता है उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। F8 जो होती है जब हम बूट प्रोसेस में होते हैं तो सेफ मोड में जाने के लिए हम F8 का इस्तेमाल करते हैं। F9 की जो होती है ये ईमेल सेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। F10 की जो होती है ये किसी भी Shift+F
10 कीज़ होती है। अगर सपोज़ हमारे पास माउस नहीं है या हम लैपटॉप यूज़ करें, हमारे लैपटॉप का जो माउस के बटन होते हैं अगर वो ख़राब हो गए हैं लेफ़्ट एंड राइट, तो जो हमारे कीबोर्ड पर राइट बटन होता है उसको प्रेस करने के लिए हम F10 शिफ्ट प्लस F10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F11 की बात करें तो ये हम फुल स्क्रीन के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, मतलब अगर हम फुल स्क्रीन के लिए हम F11 का इस्तेमाल करते हैं। F12 जो होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12 की किस लिए इस्तेमाल की जाती है, प्रिंट विंडो। सपोज़ अगर हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस बटन को तीनों को मिलाकर प्रेस करेंगे तो हम जो प्रिंट का प्रीव्यू होता है उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव एज के पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे थे कुछ फंक्शन कीज़ के यूजेज़। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड को जो हमारा कंप्यूटर का या हमारे कीबोर्ड का वो एरिया होता है जहाँ से हम डिफरेंट तरह की जो टाइपिंग होती है वो करते हैं। सपोज़ अगर हमें नोट्स बनाने हैं, कुछ लिखना है, तो उस लिखने के पर्पज़ के लिए अल्फ़ाबेटिक्स मतलब जो यूज़ करते हैं, सिंबल इस्तेमाल करते हैं या नंबर इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारा जो कीबोर्ड का एरिया होता है उस एरिया को हम कहते हैं मेन कीबोर्ड। डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड सच एज 101 की US ट्रेडिशनल कीबोर्ड्स और द 104 की विंडोज़ कीबोर्ड। क्या मतलब हमारे जो US के कीबोर्ड होते हैं स्टैंडर्ड, उनकी 101 कीज़ होती हैं और हमारे जो विंडोज़ के कीबोर्ड, विंडो माइक्रोसॉफ्ट अगर उसकी बात करें तो उनके जो कीबोर्ड होते हैं उनकी 104 कीज़ होती हैं। उसके अलावा इंक्लूड अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स, पंक्चुएशन, सिंबल, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पेशल फंक्शन कीज़ आर अवेलेबल। इस तरह से हमारे पास नंबर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस एरिया में अवेलेबल होती हैं। मेन कीबोर्ड उसमें कौन कौन सी हमारे पास कीज़ होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है जी आल्ट की। आल्ट की का अपना कोई मतलब अगर हम उसको अकेले को प्रेस करते जाएं तो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करता, लेकिन अगर हम इसी बटन को किसी दूसरे बटन के साथ मिलाकर प्रेस करें तो वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे आल्ट प्लस F4 जो होता है वो कोई भी विंडो जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है बैकस्पेस की। बैकस्पेस की दिस की इज़ यूज्ड ऑन कीबोर्ड फॉर रिमूविंग वन करेक्टर एट अ टाइम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कि अगर हम कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं या हम बुक लिख रहे हैं, तो जहाँ पर हमारा कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड पर अगर हमने कोई अल्फ़ाबेट या कोई करेक्टर हमने रिमूव करना है तो उसके लिए हम बैकस्पेस की का इस्तेमाल करते हैं। और एक दफ़ा अगर हम प्रेस करेंगे तो कर्सर के लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक करेक्टर को डिलीट कर सकती है। उसके बाद है जी कैप्स लॉक की। अगर हमने अपर केस में और लोअर केस में कुछ लिखना हो तो उस पर्पज़ के लिए हम कैप्स लॉक की का इस्तेमाल करते हैं। अगर कैप्स लॉक का बटन जो है वो ऑन होगा तो हम अपर केस में जो भी लिखेंगे वो अपर केस में लिखा जाएगा, और अगर कैप्स लॉक बटन जो है वो ऑफ होगा तो इनफैक्ट जो भी हम लिखेंगे वो लोअर केस में लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल की। कंट्रोल की इसको मैं पहले बता दूं कि जब भी हम कीबोर्ड पर CTRL शॉर्ट में ये लिखा होता है, ये की ये भी आल्ट की तरह ही है। इसका मतलब अकेले का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर हमने कोई कमांड सेंड करनी हो तो दूसरे बटन के कॉम्बिनेशन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कंट्रोल A लिखा हुआ है सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, सारी फाइल्स फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए, या कंट्रोल S होता है सेव करने के लिए, कंट्रोल C होता है कॉपी करने के लिए, या उसी तरह से कंट्रोल X होता है कट करने के लिए। उसके बाद एंटर की है। एंटर की जब हम किसी सपोज करें कि हम MS ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अगर हमने नेक्स्ट लाइन पर जाना होता है तो उसके लिए हम एंटर की का बटन जो है वो प्रेस करते हैं। एंटर की इज़ यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू सेंड कमांड टू द CPU। और इसका दूसरा मकसद क्या होता है कि अगर हमने कोई कमांड सेंड करनी हो तो उस मकसद के लिए भी हम एंटर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एस्केप
की, एस्केप का मतलब होता है खात्मा, ख़त्म करना। मतलब अगर हम कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली गेम्स अगर हमने उनको टर्मिनेट करना, उनको ख़त्म करना हो, तो उसके लिए हम एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। दिस की ऑन अ कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ यूज टू स्टॉप एन एक्शन, लीव अ प्रोग्राम और रिटर्न टू अ प्रीवियस मेन्यू। दिस की इज़ यूजली मार्क्ड ESC और कीबोर्ड पर जो इसका नाम होता है वो ESC होता है, और कीबोर्ड के टॉप पर मोस्ट लेफ्ट में ये की मौजूद होती है। उसके बाद हमारी आ रही है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ जैसे कि नाम से ही जाहिर, तो इसमें हमारे पास नंबर्स होंगे, उनके नंबर्स के अलावा प्लस माइनस इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर जो होते हैं वो सारे होंगे। न्यूमेरिक कीज़ आर ऑन द राइट साइड ऑफ अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसके राइट साइड पर होती हैं, और मोस्टली की जो हमारा लैपटॉप होता है उसमें ये कीज़ अलग से नहीं दी होती। दिस is used to enter numeric data into the computer. Numeric data computer में enter करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। It includes 0 to 9 numbers and mathematical symbols like plus, minus, divide, multiply. तो 0 से लेकर 9 number लिखने के लिए, और mathematical symbol जो होते हैं जिनको हम operator भी कह सकते हैं, वो plus, minus, multiply, division वगैरह उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। The numeric keys are also used to move cursor and perform different functions. कर्सर को मूव करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ इनकी हो सकती हैं। जैसे हमारे कर्सर कंट्रोल कीज़ का नाम देते हैं, वो कर्सर कंट्रोल कीज़ जो होती हैं वो कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी हेल्प करती हैं। उसके बाद मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले जी शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या करती है? दिस की इज़ प्रेस्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़ फॉर एग्जीक्यूटिंग अ कमांड लाइक शिफ्ट F10 इज़ यूज्ड एज राइट क्लिक ऑफ माउस। कि हमारे पास शिफ्ट की है, उसका मकसद क्या होता है, उसको मतलब शिफ्ट की जो शिफ्ट की है वो अकेले से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करती, वो दूसरी कीज़ के साथ मिलकर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। जैसे कि शिफ्ट F10 होता है तो माउस का जो राइट बटन होता है उसकी क्लिक करने के लिए भी हम ये शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मेन कीबोर्ड में हमारे पास दूसरी की है स्पेस बार। हमने अगर अपने डॉक्यूमेंट में स्पेस क्रिएट करनी हो, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग करना हो, तो उसके लिए हम स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम वीडियो देख रहे हों तो वीडियो को रिज्यूम करने के लिए भी मेन कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास टैब की है। अगर हमने एक वर्ड और दूसरे वर्ड के दरमियान ज़्यादा स्पेस क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हम टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिक कीज़ हमारे पास कुछ आ रही हैं। कर्सर कंट्रोल कीज़, मतलब हमारे जो कर्सर होते हैं जी, कर्सर चार कीज़ होती हैं, ये चार तरह के एरो बने होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, उनको हम कर्सर कंट्रोल कीज़ का नाम देते हैं। क्योंकि अगर हम कर्सर हमारा काम नहीं कर रहा, हमारा मतलब लैपटॉप है या माउस है वो काम नहीं कर रहा, तो हम इन बटन्स के ज़रिए से भी कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी वजह से उनका नाम कर्सर कंट्रोल कीज़ रखा गया। होम की क्या होती है? दिस की इज़ यूज टू मूव कर्सर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट लाइन इन अ डॉक्यूमेंट। कि अगर हमने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में लेफ्ट साइड पर, पहली लाइन के लेफ्ट साइड पर जाना हो तो हम होम की का इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के 1000 पेज हैं, हम पेज नंबर 1000 पर हैं और हम उससे सीधा पेज नंबर 1 पर आना चाहते हैं, तो सिंपल हम होम बटन प्रेस करेंगे और हमारा जो कर्सर है वो पेज नंबर 1 के टॉप में लेफ्ट साइड पर पहुंच जाएगा। एंड की, जैसे होम था स्टार्ट में जाने के लिए, इसी तरह से एंड की जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हम इस की को प्रेस करेंगे तो हम उस डॉक्यूमेंट के वेरी लास्ट लाइन के वेरी राइट साइड पर हमारा जो कर्सर है वो चला जाएगा। उसके बाद मेरी कुछ कीज़ और हैं। पेज अप, अगर हमने स्क्रीन ओपन की हुई है, अगर हमने एक पेज ऊपर जाना है तो उसके लिए हम पेज अप का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने एक पेज नीचे आना है तो उसके लिए पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे।
डिलीट की, डिलीट की ये कि एक तो डिफरेंट फाइल्स को डिलीट करने के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं तो कर्सर के राइट साइड पर एक वक्त में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट को डिलीट करने के लिए डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इट इज़ आल्सो यूज्ड टू डिलीट डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट फाइल्स के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट की, दिस की इज़ यूज टू स्विच बिटवीन ओवरटाइप मोड एंड इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड से ओवरटाइप में और ओवरटाइप मोड से इंसर्ट मोड में आने के लिए हम इंसर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी एडिशनल कीज़, हमारे पास लास्ट उसका पार्ट एरो कीज़। दीज कीज़ आर यूज टू कंट्रोल कर्सर ऑन द स्क्रीन, कि हमारे स्क्रीन पर जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कीज़ इस्तेमाल करते हैं उन कीज़ को हम कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़, या हम उसको कहते हैं एरो कीज़। उसके बाद है हमारी इंसर्ट की, वही जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इंसर्ट मोड से ओवरटाइप और ओवरटाइप से इंसर्ट मोड में आने के लिए। डिलीट की जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वही डिलीट की हमारी है, यही भी। होम जो हम पीछे पढ़ चुके हैं बिल्कुल वही फंक्शनैलिटी इसी की है। पेज अप भी वही है, पेज डाउन भी वही है। उसके बाद प्रिंट स्क्रीन, अगर हमने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन का स्नैपशॉट लेना हो, जिसे हम स्क्रीन शॉट भी कहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट की का। उसके बाद है जी स्क्रॉल की, अगर हमने सपोज अपने माउस को लॉक करना हो, हमारा जो स्क्रॉल होता है मतलब हमारा जो कर्सर होता है अगर हम उसको लॉक करना चाहते हैं तो हम स्क्रॉल लॉक का बटन प्रेस करेंगे और हमारा माउस जो है वो लॉक हो जाएगा और जिस तरह से भी हम घुमाते रहेंगे वो कोई काम नहीं करेगा। जैसे अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हों तो उसमें अगर हमने मैक्स प्लेयर ओपन किया हो तो उसके बॉटम में एक लॉक का, एक ताले का मतलब निशान आ रहा होता है, एक सिंबल आ रहा होता है, अगर हम उसको प्रेस करें तो हमारी जो स्क्रीन होती है वो लॉक हो जाती है। हम स्क्रीन पर जिस तरह से मर्जी टच करते रहें लेकिन कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी। स्क्रॉल की भी सेम उसी तरह से है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।